दो गाड़ियों के आमने सामने टक्कर हुई है और ये इसमें दोनों गाड़ी सापरा की बता रहे हैं, इसमें दोनों ड्राइवर खलासी की मौत हो गई है। आमने सामने दोनों ड्राइवरों की उनकी मौत हो गई है। डेड बॉडी लेने के लिए घर वाले आ गए। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदर्श नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर दो ट्रेलर्स की आपस में जबरदस्त भिड़ंत। भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रेलर्स में लगी आग, दोनों ट्रेलर्स के चालक और खलासी की मौके पर हुई मौत। मंगलवार अल सुबह 6 बजे आदर्श नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर मामा के ढाबे के पास दो ट्रेलर्स की आमने सामने हुई आपसी भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक किशोर घायल हो गया जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि आदर्श नगर थाने से ब्यावर रोड की ओर सुबह दो ट्रेलर्स की आपस में भिड़ंत हो गई। एक ट्रेलर शाहपुरा जयपुर से आ रहा था जबकि दूसरा जालौर की ओर से आ रहा था। दोनों ही की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों ही ट्रेलर्स में आग लग गई जिसकी वजह से केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी निकल नहीं पाए। ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत हो गई जबकि जालौर से आ रहे ट्रेलर में बैठा युवक घायल हो गया जिसे तत्काल एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आदर्श नगर थाना पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने के काफ़ी प्रयास किए। लगभग 4 दमकलों की गाड़ियों ने मौके पर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दोनों ट्रेलर जलकर खाक हो चुके थे। आज सुबह 6 बजे की बात है, ये आदर्श थाना के 1 किलोमीटर आगे ब्यावर की तरफ मामा के ढाबे के पास में दो ट्रेलर में एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के दोनों कार ट्रेलरों में आग लगी थी और आग लगने से ड्राइवर और चालक और कंडक्टर बाहर नहीं निकल पाए और आग में ही अंदर जल गए थे। कितने जने थे? दोनों ट्रकों में दो दो व्यक्ति थे। दोनों ट्रकों में दो दो, एक कोई बच्चा भी था जो एक बच्चा था जो वो निकल गया था गाड़ी से, वो भी ठीक है। वो भी बच्चे का नाम है अशोक। और इनका क्या क्या नाम है? इनका मृतक का नाम एक है सुरेश और दूसरे का संजय। एक गाड़ी में अभी दूसरे गाड़ी में जो मरते हैं उनके भी नगर नहीं हो पाई है, अभी प्राण भी जा सकते। एक ट्रेलर में मौजूद ड्राइवर सुरेश और खलासी संजय की शिनाख्त हो गई है जबकि दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक ड्राइवर सुरेश के परिजन जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे जिन्होंने बताया कि मृतक सुरेश के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। गाड़ियों के आमने सामने टक्कर हुई है और ये इसमें दोनों गाड़ी सापरा की बता रहे हैं, उसमें दोनों ड्राइवर खलासी की मौत हो गई है। आमने सामने दोनों ड्राइवरों की उनकी मौत हो गई है। डेड बॉडी लेने के लिए घर वाले आ गए हैं। कहाँ से आई थी ये? तो जालौर से आ रही थी ये गाड़ी, तो एक गाड़ी इधर से जा रही थी जयपुर की तरफ से। हाँ, हमारे परिवार का ही है। क्या नाम है? सुरेश कुमार निठारवा। काम क्या करते थे? ये गाड़ी चलाता था, ड्राइवर ही था। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाता है? ये 40 तारा गाड़ी है, ट्रेलर गाड़ी है। वो भी खलासी था साथ में।
खलासी का क्या नाम है? संजय कुमार। वो कहाँ का रहने वाला? वही सापरा का। जालौर का ही? सापरा का। सापरा जयपुर। कितने बच्चे हैं इसके? एक लड़का एक लड़की है सुरेश के, बच्चे छोटे हैं। वहीं घायल अशोक के रिश्तेदार बीरबल ने बताया कि अशोक ने जालौर से चोमू जाने के लिए ड्राइवर से लिफ्ट ली थी, लेकिन रास्ते में यह एक्सीडेंट हो गया जिसमें अशोक के गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज जेएलएन अस्पताल में किया जा रहा है। क्या आ रहा था? काम ये जालौर से आ रहा था और यहाँ एक्सीडेंट हो गया बीच में। ये चोमू उतरता उतरने की बात थी, ड्राइवर जानकार था हमारा। जब उनको बोल दिया था भाई मैं चोमू उतार दूंगा, तुम किराए भाड़े क्यों लोगे? क्या नाम है इसका? अशोक नाम है। और ड्राइवर का क्या नाम था? मोती। मोती। अच्छा, कहाँ से चल रहा था ये? जालौर से आ रहा था और दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जा रहा था? हाँ। अच्छा, दिल्ली किस लिए जा रहा था? वो माल माल भर के आते हैं ना वहाँ से, पत्थर के टाइलों वाले। हाँ, बिल्कुल।